ही जानता है, उतनी तादाद में बल्कि उससे भी बढ़कर वहाँ पर प्याले होंगे। हदीस नंबर 4306। हदसन मोहम्मद बिन बशारिन, हदसन मोहम्मद बिन जाफरिन, हदसन शोबत अनिल आला इब्न अब्दुर्रहमानी अनबी है नबी तानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु अतल मकबरत फसलम आलल मकबरत फ़क़ल अस्सलामु अलैकुम दार क़ौमि मुमिनीन व इन्ना इंशा अल्लाह तआला बिकुम लाहिकुन थुम्मा क़ाला ला वदिदना अन्ना क़द रअयना इख़वानना قالوا يا رسول الله ولسنا اخوانك قال انتم اصحابي واخواني الذين ياتون من بعدي وانا فرطكم على الحوض قالوا يا رسول الله كيف تعرف من لم ياتي من امتك قال ارايتم لو ان رجلا له خيل غر محجله بين ظهراني خيل دهم بهم الم يكن يعرفها قالوا بلى قال فانهم ياتون يوم القيامه غرا محجلين من اثر الوضوء قال انا فرطكم على الحوض ثم قال ليزادن رجال عن حوضي كما يزاد البعير الضال فأناديهم ألا هلموا فيقال إنهم قد بدلوا بعدك ولم يزالوا يرجعون على أعقابهم فأقول ألا سحقا ألا سحقا। سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه روایت حضور صلى الله عليه وسلم قبرستان تشریف لائے بس آپ نے اہل قبر کو سلام کیا, कब्रस्तान वालों को सलाम किया तो फरमाया अस्सलामु अलैकुम दारा कौमी मुमिनीन व इन्ना इंशा अल्लाह ताला बिकुम लाहिकून, यानी तुम पर सलामती हो ए मोमिन कौम के मकान वालों, और यकीनन अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम ज़रूर तुमसे मिलने वाले हैं, यानी हम भी इस दुनिया से रुख्सत होने वाले हैं, फिर इसी जगह आकर क़ियाम करने वाले हैं। फिर फरमाया मैंने आरज़ू की कि काश मैं अपने भाइयों को देख सकता। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आपके भाई नहीं हैं, यानी हम आपके खादिम और ग़ुलाम नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेरे अस्हाब हो, मेरे साथ रहने वाले हो, मेरी सोहबत का शरफ़ तुम्हें हासिल है, और मेरे भाई वो लोग हैं जो मेरे विसाल के बाद पैदा होंगे, जो मुझे देखे बग़ैर मुझ पर ईमान लाएँगे। तुम मुझे देख कर ईमान लाए, वो मुझे देखे बग़ैर ईमान लाएँगे, वो मेरे भाई हैं, और मैं तुम्हारा पेश खैमा होऊंगा हौज़े कौसर पर, यानी हौज़े कौसर पर मैं सबसे पहले पहुंचूंगा। लोगों ने पूछा, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी उम्मत को क्यों कर अच्छा आप उन लोगों को क्यों कर पहचानेंगे जो अभी तक पैदा नहीं हुए आपकी उम्मत में से, यानी आपकी उम्मत जो अभी पैदा नहीं हुई, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, फिर हमारे बाद जो लोग आने वाले हैं, आप उन्हें क़ियामत के दिन आप जो फरमा रहे हैं हौज़े कौसर पर आप सबसे पहले पहुँचेंगे और पानी पिलाएंगे, तो आप उन लोगों को कैसे पहचानेंगे जो अभी तक पैदा नहीं हुए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, एक मिसाल देकर आपने समझाया, फरमाया देखो, अगर एक शख्स के घोड़े जो सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ पाँव वाले हों, खालिस मुश्की सियाह घोड़ों में मिल जाएँ, अगर किसी शख्स के पास ऐसे घोड़े हों जिनकी पेशानियाँ सफ़ेद और हाथ भी सफ़ेद और पाँव भी सफ़ेद हों, अगर वो घोड़े किसी खालिस मुश्की सियाह घोड़ों में यानी काले घोड़ों में अगर मिल जाएं, तो क्या वो शख्स वो मालिक अपने घोड़ों को नहीं पहचान सकेगा, नहीं पहचानेगा क्या? लोगों ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं, बेशक पहचान लेगा, क्योंकि उसके घोड़े सफ़ेद पेशानी और सफ़ेद हाथ सफ़ेद पाँव वाले हैं, ज़ाहिर बात है इस अलामत से इस निशानी से उन घोड़ों का मालिक अपने घोड़ों को पहचान लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह मेरी उम्मत के लोग क़ियामत के दिन सफ़ेद पेशानी सफ़ेद हाथ और सफ़ेद पाँव होकर आएंगे वुज़ू के सबब, यानी वुज़ू के असर से, वुज़ू की बरकत से मेरी उम्मत के चेहरे रोशन और मुनव्वर होंगे, आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, ये वुज़ू का नूर होगा उनके चेहरों पर और उनके हाथ और पाँव पर, तो मैं उस निशानी से उनको पहचान लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारा पेश खैमा होऊंगा, यानी हौज़े कौसर पर मैं तुम सबसे पहले पहुँच जाऊँगा, यानी तुमसे आगे वहाँ पहुँचकर तुम्हारे पानी पिलाने की तैयारी करूँगा, तुम प्यासे होगे, सूरज एक बारिश तुम्हारे सरों के ऊपर होगा, प्यास की शिद्दत से तड़प रहे होगे, तो मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए सबसे पहले हौज़े कौसर पर पहुँच कर तुम्हारी सैराबी का सामान करूँगा। फिर फरमाया चंद लोग जो बज़ाहिर मेरी उम्मत के लोग होंगे मेरे हौस के पास से उनको धुतकारा जाएगा, हटा दिया जाएगा, जैसे भोला भटका पराया ऊँट हाँक दिया जाता है, अगर किसी दूसरे शख्स का ऊँट अगर अपने हौस पर पानी पीने के लिए आ जाए तो अरब उसको हटा देते थे, ऐसे ही हौज़े कौसर के पास से चंद लोगों को धुतकारा जाएगा,
ढकेल दिया जाएगा। तो मैं उनको पुकारूंगा, इधर आओ इधर आओ, तो मुझसे कहा जाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके बाद दीन को बदल दिया, यानी ईमान पर साबित कदम नहीं रहे, मुर्तद हो गए नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, और हमेशा अपनी एड़ियों पर दीन से मुनहरिफ होते रहे, यानी फितने में मुब्तला हो गए और दीन इस्लाम से हाथ धो बैठे, ये लोग दीन से बिल्कुल दूर हो गए, अब ये आपकी उम्मत में नहीं रहे। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा तो आप भी कहेंगे अगर ये लोग वो हैं तो फिर इनके लिए दूरी है, दूरी है, तुम यहाँ से दूर हो जाओ, हट जाओ, यहाँ तुमको आने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी उम्मत है दीन इस्लाम पर साबित कदम है, इस्तेकामत का मुजाहरा की, वही ये पानी पीने की मुस्तहक है। बहरहाल इसमें भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत और एज़ाज़ मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने आपको एक हौज़ अता किया, क़ियामत के दिन हर एक नबी का एक हौज़ होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद हौज़ कौसर पर होगी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले, इत्तबा करने वाले, आपको मानने वालों की तादाद भी दीगर अंबिया की उम्मतों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफीक और उसकी मदद से आज की इस निशिस का इख्तिताम हदीस नंबर 4306 हौज़े कौसर के बयान के इख्तिताम पर आज की ये निशिस ख़त्म होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमको सुनने और सुनाने से ज़्यादा अहकाम शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो हजरात हदीस शरीफ की नशर व इशाअत का बेड़ा उठाए हुए हैं और इस सिलसिले में मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फ़रमाए और उन्हें तरोताज़ा रखे, खुश व खुर्रम रखे, दीन और दुनिया की सआदत और नियामतों से सरफराज फरमाए, हर तरह की मुश्किलात और परेशानियों से निकलने का रास्ता फराहम करे, और खुशहाली और तंदुरुस्ती और आखिरत की नियामतें उनका मुकद्दर हो। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सैयदना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।